हेलो डियर, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। इसमें एक प्रॉपर प्लान पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक प्रॉपर वे पे डिस्कस करने वाला हूँ कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या आगे करने वाला है और नया क्या होने वाला है। आप सब पहले से जुड़े हुए हैं, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट पहले से ऑफलाइन में था, चीज़ें कुछ ऐसी सिचुएशंस आया जिसके वजह से सारी कोचिंग जो है, जितने भी कोचिंग रनिंग थे वो ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए थे और अभी तक बंद भी हैं। अब ओपन होने लगा और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में भी था और ऑनलाइन में था। ऑफलाइन क्लासेस सबके बंद पड़े थे, हमारे भी बंद हो चुके थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास में मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट लगातार बना रहा। मॉड्यूलेशन आपके लिए हमेशा खड़ा रहा, ऑनलाइन सपोर्ट देता रहा। मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल पे लगातार फ्री वीडियो लेक्चर जाते रहे। मॉड्यूलेशन ऐप पे भी कुछ कंटेंट हमेशा डाला जा रहा है। हम लोग ऑनलाइन मीडियम में बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश किए और कर भी रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि सारी चीज़ें ओपन हो रहा है तो फिर मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट ऑफलाइन स्टार्ट करने वाला है बैचेस अपने। यहाँ पे सारी ओपन बात होगा, एक सिस्टमेटिक वे में बात होगा। आप सब जुड़े हैं मॉड्यूलेशन से तो मुझे जानते हैं, जितने भी यहाँ पे फैकल्टी जुड़े हैं उनको आप अच्छे से जानते हैं। अगर कोई आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो आप मॉड्यूलेशन से यूट्यूब चैनल या मॉड्यूलेशन ऐप पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। आप वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, पढ़ाने का वे क्या है, उनका बोलने का तरीका क्या है, उनका अप्रोच क्या है, क्वेश्चन डील करने का अप्रोच क्या है, ये सारे अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि वो बातें कैसे करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, एक प्रॉपर डायरेक्शंस में किस तरह से वो क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस तक डील करते हैं। वो एक, आप अगर जेन्यून स्टूडेंट हैं और सही में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि बातें बनाने से चीज़ें सही नहीं होता है ना, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कुछ आइडिया है, कुछ बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, तो वो सारे अगर आप बहुत कम टाइम में चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे कि ये फैकल्टीज़ ये कंटेंट पढ़ा रहा है, जो टॉपिक ये कहाँ तक इसको लेके जा सकता है और ये कहाँ तक बातों को डील करता है, ये अंदाज़ा लगने लगता है। तो सारी चीज़ें मॉड्यूलेशन यूट्यूब और ऐप पे पड़ा हुआ है, सभी फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ फैकल्टीज़ हैं वो बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं। मैं क्या लेके आने वाला है मॉड्यूलेशन, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जितने फैकल्टी हैं सारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। एक फैकल्टी मैक्सिमम 2 से 3 सब्जेक्ट को ही डील करता है, ज़्यादा सब्जेक्ट उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वही सब्जेक्ट फैकल्टी को दिया जाता है जिस पे उनकी कमांड हो और वो अच्छे से डील कर पाएँ, लड़कों से कनेक्ट कर पाएँ। ये हमारी पहल रहता है, हमारी कोशिश रहता है कि आप किसी भी तरह से मतलब आपको नुकसान ना हो, आप हमेशा सेटिस्फाई रहें चीज़ों को लेके। ऑनलाइन में लड़के जुड़े हैं और हमारे पास स्टडी मटेरियल भी है, वो भी हमारे स्टडी मटेरियल के फीडबैक अच्छे हैं और हम लोग स्टडी मटेरियल पे लगातार काम भी कर रहे हैं और इसका फीडबैक भी अच्छा है। बहुत लड़कों ने यहाँ से रिज़ल्ट भी दिया है, रिसेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो चीज़ें ये होते रहता है, मैं इसलिए ये मोटा मोटी बातें बता रहा हूँ
ताकि एक आपको ओवरव्यू हो जाए और एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से बातें हो रहा है और कहाँ पे ये बातें जाके ख़त्म किया जा सकता है। और पढ़ाने का जो भी बातें ख़त्म करने का मतलब क्या कि कोई फैकल्टी अगर टॉपिक को डील कर रहा है तो वो किस अप्रोच से और कहाँ तक उसे लेके जा सकता है, कहाँ पे ख़त्म कर सकता है, ये देख के ही अंदाज़ा लग जाता है। ये तो एक सिस्टमेटिक बातें रहा कि मॉड्यूलेशंस क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या सपोर्ट अब देता रहा आप लोग के लिए। अब टाइम आ गया है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, आप सब जानते हैं कि ये लक्ष्मी नगर में स्टेबल है, दिल्ली में। और लक्ष्मी नगर एक एसएससी जेई कोचिंग के लिए हब माना जाता है। बहुत सारे लड़के जो हैं यहाँ पे आते हैं और अपने प्रिपरेशंस को सही तरीके से अंजाम भी देते हैं। बहुत सारे कोचिंग भी अवेलेबल है, वो जहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं वहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं और अपने प्रिपरेशंस को जारी रखते हैं उस कोचिंग के साथ। ये अब मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आप सब जानते हैं कि टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए फेमस है, टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस कराता है। जैसे एसएससी जेई की बात हो, स्टेट जेई की बात हो, एई की बात हो, रेलवे की बात हो, या किसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात हो, मतलब जितनी भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं जो जेई और एई लेवल के होते हैं उनके प्रिपरेशंस यहाँ पे कराए जाते हैं। ये सपोर्ट अभी तक मॉड्यूलेशंस ऑनलाइन सपोर्ट दे रहा था, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भेजे जा रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मॉड्यूलेशंस ने प्लान किया है कि अब क्योंकि लड़कों का इंक्वायरी आ रहा है, लड़कों का फ्लो बढ़ रहा है और लक्ष्मी नगर एक जेई ए के लिए अच्छा मार्केट माना जाता है और पहले से था भी, यहाँ पे कोचिंग चल भी रहा था लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से चीज़ें ऑफ कर दिया गया था। अब जो कमी पहले था हमारे में, जो चीज़ें हमारे पास नहीं था, हम लोगों ने उस पर काम किया और पूरी तरह से हम रेडी हो चुके हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जितने अच्छा हो सकता था, जितना अच्छा होगा, जितनी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट को चाहिए था, हम लोगों ने सारी प्लानिंग कर लिया है, सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया है। स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, उन्हें एक प्रॉपर फैकल्टी का टीम चाहिए जो सभी सब्जेक्ट को सही तरीके से डील करे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएँ। एक होता है पढ़ाना और एक होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना। आज के जो कम्पिटिशन्स हैं या जो भी एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं वो एक बड़ी सेंसिटिव एग्ज़ामिनेशंस होता है, आपको क्विक रिस्पॉन्स देने होते हैं, तो उस तरह से चीज़ों को आप पहले से ही बाइंड अप करके नहीं चलेंगे तो चीज़ें बड़ी दिक्कत हो जाएगा और आपको मतलब सिलेक्शन लेने में डिफ़िकल्टीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आप जान ही रहे कि रेशियो क्या है और स्टूडेंट का रेशियो क्या है। वी ऑल नो डैट अबाउट दिस, ये हम इस बातों से अवेयर हैं, हम सब जानते हैं। तो आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे या फैकल्टी सिस्टमेटिक तरीके से डील नहीं करेगा तो चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्टीज हो जाएगा। तो हम फैकल्टीज़ और स्टूडेंट में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए ताकि चीज़ों को कैसे डील किया जाता है और कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस पर हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास जो टीम है वो बहुत अच्छा टीम है, ये बोलने की बात नहीं है। आप YouTube चैनल या ऐप पे मॉड्यूलेशंस के जाके जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर आप देखना चाहते हैं, डेमो आप देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो आप किसी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, है अवेलेबल। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ये करना है वो करना है, आप आसानी से जाके देख सकते हैं, वहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आके आप चीज़ें आपको लगेगा कि एक मतलब एक स्टैंडर्ड फीलिंग आएगा कि हाँ सही में तो एक ये तरीका होता है पढ़ाने का और यहाँ के फैकल्टी कैसे डील करते हैं, ये भी अंदाज़ा लग जाएगा आपको। और ऑफलाइन क्लासेस का एक अलग वे होता है, ऑनलाइन क्लासेस में हमारे आपके इंट्रैक्शन नहीं होते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हमारे आपके इंट्रैक्शन प्रॉपर बने रहते हैं। हम एक सिस्टम और सराउंडिंग के जैसे हम दोनों बिहेव करते हैं, अगर आप सिस्टम होते हैं तो फैकल्टी सराउंडिंग होता है,
अगर फैकल्टी सराउंड सिस्टम है तो आप सराउंडिंग का काम करते हैं फैकल्टी के लिए, और कहीं भी किसी भी सिस्टम का अगर एग्जिस्टेंस हो रहा है, इट मीन्स द बोथ पेयर सिस्टम एंड सराउंडिंग इज मस्ट बी टुगेदर। ये चीज़ें आपस में मिलता है तभी जाके एक प्रॉपर रिजल्ट बनता है, एक प्रॉपर रिजल्ट निकलता है। अदरवाइज अगर आप कोई भी सिस्टम सराउंडिंग के बगैर कुछ नहीं कर सकता, या कोई भी सराउंडिंग सिस्टम के बगैर डिफाइन नहीं हो सकता, तो चीज़ें ये एक प्रॉपर हमारे में बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ के जो फैकल्टी हैं सारे मैच्योर्ड हैं, चीज़ों को जानते हैं, सारे यंग फैकल्टी हैं, सभी फैकल्टी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और वो ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उन्हें ये भी एक्सपीरियंस है कि पढ़ाया कैसे जाता है, क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, क्योंकि सारे फैकल्टी ने कंटेंट पे भी काम किया है, तो उन्हें एक प्रॉपर अंदाज़ा है। जो फैकल्टी कंटेंट के साथ साथ टीचिंग किया है वो एक एक्सपर्ट होता है। सिर्फ पढ़ाना एक अलग बात है, कंटेंट बना के कंटेंट के साथ पढ़ाना वो एक अलग बात है। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर सिर्फ आप पढ़ेंगे, अगर आपने उसे नोट नहीं किया, आप उससे नोट डाउन नहीं करेंगे, उस चीज़ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसी तरह होता है कि अगर आप एक प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर एक प्लान तैयार करके आप किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे जो भी कोर टीम है जैसे, तो आप देखेंगे कि उनकी लेवल क्या है पढ़ाने का, आप चैनल पे भी देख सकते हैं। ये सारी मोटी मोटी बातें रहा कि अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि नाउ द मॉड्यूलेशंस आर रेडी फॉर लॉन्चिंग द ऑफलाइन क्लासेस। बिल्कुल हम तैयार हैं आपके सपोर्ट के लिए, हम लोग ऑफलाइन कोचिंग लेके आ रहे हैं। आप लोग का डिमांड भी था कि सर आप लोग ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन आइए। हम लोग पहले थे, लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं था कि बीच में ओपन करें फिर बंद कर दे, बीच में ओपन करें फिर बंद करें, क्योंकि हम किसी के साथ अनफेयर नहीं चाहते हैं। कि ऐसा नहीं कि हम लोग फी ले लें और फिर बंद करके और आपको टाल मटोल ऑफ और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दें। नहीं, जो ऑनलाइन मोड से आना चाहते हैं फेयर बात है, जो ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है कि मैं आपको बोलूं कि ऑफलाइन हम लोग बैचेज ला रहे हैं और एडमिशन लेके कुछ दिन बाद बंद करके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सपोर्ट कर देते हैं, तो ये एक अनफेयर हो जाता। बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल नहीं लाया। अब हम लोग चीज़ें ओपन होने लगा और हम लोग तैयार भी हो चुके हैं, बहुत सारे चीज़ें पर काम किए हैं हम लोग, अब पूरी तरह से रेडी हैं, कोर टीम रेडी है, सब लोग तैयार हैं, एंड वी आर रेडी टू लॉन्चिंग द ऑफलाइन क्लासेस इन लक्ष्मी नगर दिल्ली। बिकॉज ये लक्ष्मी नगर जो एरिया है दिल्ली का, वो एक SSC JEE के लिए हब माना जाता है। मैक्सिमम लड़के जो हैं यहाँ पे आके प्रिपरेशंस करते हैं, जैसे बिहार का हो गए, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, जितने भी ये सारे स्टेट हैं, हरियाणा, सभी लड़के आके, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे आके प्रिपरेशंस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, हमारा कोचिंग भी था, तो एक हब माना जाता है चीज़ें। तो आप यहाँ पे आएंगे और अपने प्रिपरेशंस को आप डेमो लेंगे, सही तरीके से आपको लगेगा, परमिशन लीजिए और अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाइए। अब बात ये रहा कि SSC JEE में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी SSC JEE सिविल को लेके आ रहे हैं, सिर्फ सिविल की ब्रांच बैचेस हमारे यहाँ चलेगा। अभी हम लोग फिर आगे प्लान करेंगे, जब तक हमारे पास प्लान नहीं होगा, जब तक चीज़ें सही नहीं होगा, हम बिल्कुल यूं ही रेंडम ऑर्डर में मूव नहीं कर सकते। तो हम लोग SSC JEE सिविल का बैचेस सितंबर में अनाउंस करने वाले हैं। आप लोग कॉल करके मॉड्यूलेशंस जो नंबर है कॉन्टेक्ट में, उस पे आप साइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से नंबर डिटेल्स निकाल सकते हैं। आप कांटेक्ट करके अपने आप इंक्वायरी ले सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो हम लोग सितंबर में प्लान कर लिए हैं कि बैचेस को लॉन्च करने वाले हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनिशियल सपोर्ट आपका भी चाहिए। अगर आप सब साथ हैं, जैसे ऑनलाइन में आप लोग बने हुए थे, ऑफलाइन में भी आप सपोर्ट करेंगे,
फिर आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट कहाँ से कहाँ बेहतर बनता है। और बहुत सारे फिजिबल चीज़ें रहेगा, फिजिबल कॉस्ट पे पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे चार्जेज आपसे लिए जाएंगे या कुछ किए जाएंगे, जो फिजिबल चार्ज है जिसमें सारी चीज़ें हो जाए उसके उस वहीं फी रहेगा आपके लिए। तो हम लोग SSC JEE सिविल की बैचेस लेके आ रहे हैं इन सितंबर। और अब रहा कि अगर SSC JEE सिविल की बैचेस लेके आ रहे हैं तो उसकी फीचर्स क्या क्या हो सकता है। फीचर्स ये होगा कि आपको एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज, बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाए हुए, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे कंटेंट पे काम किए हुए फैकल्टीज पढ़ाएंगे, एग्ज़ाम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो डील करेंगे, वो जॉब के साथ चीज़ों को डील करेंगे, मतलब वो चीज़ें वो तो हमारी समस्या है, वो हम लोग कैसे करेंगे, प्लान रेडी है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट कौन से पहले वेटेज वाले सब्जेक्ट को ओपन किया जाए, सिस्टमेटिक तरीके से वेटेज वाले सब्जेक्ट से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आपके पेपर को डील किया जाएगा, ताकि जो वेटेज वाले सब्जेक्ट है वो सारे पहले ख़त्म हो जाए और सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होके जाए, वो चीज़ों को हम लोग लेके आएंगे एक प्लान के साथ। ऐसा नहीं कोई भी सब्जेक्ट रैंडम ऑर्डर में स्टार्ट कर दें, तो एक प्लान के साथ हम लोग जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रक्चर 100 में स्टार्ट होगा तो उसके साथ सारे सीरीज को डील किया जाएगा, अगर इरिगेशन स्टार्ट होगा तो उसके साथ सारे सीरीज को, हाइड्रोलॉजी को भी डील किया जाएगा, तो इस तरह से FM स्टार्ट होगा तो उसके सीरीज को डील किया जाएगा, FM, HM, OCF, एक वे में हम लोग चलेंगे। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि अब SSC JEE सिर्फ अभी सिविल की बैचेज आएगा, मॉड्यूलेशंस आर रेडी टू लॉन्च द क्लासेस। हमारे पास किसी भी कोचिंग के पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होता है, मैंने भी बहुत सारे कोचिंग में काम किया देखा है, एक प्लान होना चाहिए। और प्लान स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, उसे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी होने चाहिए, वो अपना समझ के उनको उनके बातों को समझे और उस तरह से चीज़ों को पढ़ाए, एक सही तरीके से पढ़ाए। दूसरी बात ये रहा कि जो एग्जामिनेशन क्रैक किया वही सही से बता सकता है, निकाल सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है। थर्ड कि आपके सपोर्ट के लिए मॉड्यूलेशंस के पास स्टडी मटेरियल है, SSC JEE का कहीं भी स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस पेपर होंगे, उसमें स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर पेपर डाला गया है, ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशन दोनों आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें रहेगा और भी बहुत सारे सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आप एक प्रॉपर प्लान के साथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो आप लोग इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दें, आपको कॉन्टेक्ट नंबर इस पे मिल जाएगा, आपको ये वीडियो लेक्चर में डाल दिया जाएगा नीचे आप देखेंगे तो, और आप इंक्वायरी फिल करना स्टार्ट करें ताकि हमें भी रिस्पॉन्स पता लगे और उसके अनुसार हम लोग एक प्रॉपर डेट डिसाइड कर पाएँ, ताकि हम लोग उस टाइम पे बैच को लॉन्च करें, क्योंकि आपका भी सपोर्ट चाहिए और हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े थे। जब पेंडेमिक सिचुएशन था तभी भी हम लोग सपोर्ट ऑनलाइन दे रहे थे, और अब तो ऑफलाइन आ रहे हैं, तो हम लोग पूरी कॉन्टेक्ट में रहेंगे और साथ में काम करेंगे और सही तरीके से करेंगे, एक प्रॉपर वे में चलेंगे, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ चलेंगे और अपने गोल को सही तरीके से अचीव करेंगे। जो हमारे गोल है वो एक प्रॉपर डायरेक्शंस में चलेगा, अचीव करने के लिए हम प्रॉपर डायरेक्शन में चलेंगे और उस टारगेट को अचीव भी करेंगे। जैसे मेरा अगर मुझसे आपने, जैसे मैं कोचिंग में पढ़ाता था, पढ़ाया हूँ, तो आपको पता होगा, मुझे जानते ही होंगे आप लोग, या जो नए होंगे जान लेंगे, बहुत सारे वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैं जिस सब्जेक्ट को डील करूँगा वो FM सीरीज होगा, FM, HM और OCF, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओपन चैनल फ्लो। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, आप चीज़ों को देखेंगे और जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनकी पढ़ाने का तरीका आप देखेंगे, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, सारे फैकल्टी अच्छे हैं, बहुत सही तरीके से हम लोग टिल करेंगे। तो आप, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आपके लिए SSC JEE सिविल की बैचेस
सितंबर में अनाउंस करने वाला है। एरिया है दिल्ली लक्ष्मी नगर, क्योंकि यह हब माना जाता है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको नंबर वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप कॉन्टेक्ट करके सारी चीज़ों का इंक्वायरी करना कर सकते हैं और आप एक प्रॉपर वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बैचेस कब आएगा, टाइमिंग क्या होगा, फी क्या होगा, सब चीज़ें, कितने दिनों, कितने महीने में बैच को ख़त्म किया जाएगा, एकदम कम से कम टाइम में बैचेस को ख़त्म किया जाएगा एक प्रॉपर वे में, एक प्लान के साथ, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हम लोग जानते हैं चीज़ों को, तो सही तरीके से आगे लेके बढ़ेंगे और एक प्रॉपर सही वे में डील करेंगे सारे सब्जेक्ट को। ठीक है, आपको ये बहुत सारे मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया इसमें, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप कंसीडर कीजिए और इस पर आप अब अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, अब आप रेडी हो जाइए, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी देयर इन द मार्केट, आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एसएससी जेई जो है सिविल के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी लेके आता है, हमेशा वैकेंसी आते रहता है और अब टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है। पहले 2-3 साल पहले एग्जामिनेशंस डिले होते थे, लेकिन अब एग्जामिनेशंस ऑन टाइम हो रहे हैं। एसएससी जेई का वैकेंसी रेगुलर हो गया, स्टेट जेई में वैकेंसी रेगुलर आ रहा है, किसी भी स्टेट की बात कर ले, किसी भी पब्लिक सेक्टर की बात कर लें, लगातार जेई की वैकेंसीज हैं, हमेशा सिविल के वैकेंसीज आते रहते हैं, हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी आता है। तो आप एक प्लान के साथ प्रिपेयर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। और हम लोग बड़े सिस्टमेटिक वे से बात करेंगे, डील करेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, तो चीज़ों को आपको भी समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें कैसे डील किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं हो पाता है, ऑनलाइन में वही चीज़ें हो पाता है जो फैकल्टी सिर्फ आपसे बातें करता है, आप बात करना चाहते हैं फैकल्टी से, वो चीज़ें मतलब वहाँ पे एक थिन लाइन क्रिएट हो जाता है, आप नहीं क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में हम दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और चीज़ों को सही तरीके से लेके जाते हैं। आप लोगों से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलता है, कोई नया क्वेश्चन होता है, आपने पूछा, उसको सही तरीके से सोचने का मतलब एक वे हमें मिल जाता है, तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो चीज़ों को सही से करें, सही वे में करेंगे, बड़े प्लान के साथ आएंगे। हम लोग आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाले, प्रॉपर प्लान देंगे, प्रॉपर प्लान के साथ स्टडी, प्रॉपर प्लानिंग होगा, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, सपोर्ट करेंगे सारे, सपोर्टिंग इन एवरी सब्जेक्ट, सपोर्ट इन एवरी सब्जेक्ट कहने का मतलब हुआ डाउट सेशन विल बी देयर, डाउट सेशन, सपोर्ट यही तो होता है, सपोर्टिंग इन एवरी सब्जेक्ट इट मीन्स डाउट सेशन विल बी देयर, क्वेश्चन सेशन, क्वेश्चन सेशन होगा। क्वेश्चन सेशन कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद उस पर जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बेसिक के हो, एडवांस लेवल को, सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। सपोर्ट के लिए आपको पास होगा स्टडी मटेरियल, प्रॉपर स्टडी मटेरियल होगा आपके पास कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर कोई चीज़ें मिस हो रहा है, तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू डिफाइन सिलेबस, अकॉर्डिंग टू डिफाइन सिलेबस, जो सिलेबस डिफाइन होते हैं, जो चीज़ें सिलेबस दिया गया उसके अनुसार प्रॉपर स्टडी मटेरियल होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा आपके पास, ये सारी चीज़ें हमारा प्लान है, इस चीज़ पे ही हम लोग काम करेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे,
जो भी एसएससी जेई सिविल को डील करेंगे आपके लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे। हम लोग कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे या कोई ऐसे फैकल्टी को नहीं लाएंगे जो बस ऐसे ही हो। हमारे पास 5 से 6 फैकल्टी सिविल में है, सारे कोर फैकल्टीज हैं एंड ऑल सभी फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सभी सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं सिविल में। उस तरह से हम लोग डील करेंगे और उसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग रेडी हैं, आप लोग भी रेडी हो जाइए और आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे और उस चीज़ को प्लान करते हुए आप आइए और फिर आप यहाँ डेमो लेक्चर देखिए। डेमो क्या, मैं अभी YouTube चैनल पे डेमो लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख लीजिए और एक प्लान के साथ आइए, टाइम लेके आइए और सिलेक्शन लेके जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।